हेलो, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से हम तैयार हैं एक और वीडियो के साथ। और देखो, जैसे हम लोग बेटा लेटर टू एडिटर कर चुके हैं पहले, तो लेटर का मैंने बोला था आपको एक एक सीरीज़ में आपको दूंगा और 10 वीडियो हम बनाएंगे लेटर राइटिंग पर ही। तो देखिए, बिल्कुल उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और मैं आपको करा रहा हूँ यहाँ पर लेटर फॉर प्लेसिंग ऑर्डर। इससे पहले वाली वीडियोज़ अगर आपने मेरी नहीं देखी हैं तो पहले जाकर उन वीडियोज़ को देखें, ताकि बिल्कुल 1 to 1 क्लियर होता रहे। और आज जो हम लोग आए हैं यहाँ पर प्लेसिंग ऑर्डर के साथ आए हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप हैं साई एकेडमी फॉर सक्सेस पे, और साई एकेडमी फॉर सक्सेस पर सभी वीडियोस आपको मिलेंगी इंग्लिश की, खास तौर पर राइटिंग स्किल्स की। तो देखते हैं, आइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और औरों को शेयर भी कीजिए, ताकि हमें वो अप्रेजल मिले और हम आगे भी मेहनत करते जाएं इस दिशा में। आइए देखते हैं प्लेसिंग ऑर्डर का एक लेटर। लेटर टू प्लेसिंग ऑर्डर हमारे पास है गाइस, ये यहाँ पर। तो लेटर टू प्लेसिंग ऑर्डर हम लोग कर रहे हैं, मेरा चैनल है साई एकेडमी फॉर सक्सेस। तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, आपको बेल आइकन दबाना है, ठीक है? मैं लिख देता हूँ, कई बार भूल जाते हैं बच्चे, तो बेल आइकन दबाना है ताकि मेरी वीडियोज़ की अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। तो देखते हैं पहले हम लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन बनेगा, जैसे यहाँ पर लिखा है यू आर एक्स वाई जेड, और आप एक कल्चर एक स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हो, तो आपका स्कूल क्या कर रहा है, एक ऑर्गेनाइज कर रहा है एक स्पोर्ट्स डे। तो कुछ आपको कुछ सामान मंगाना है, कुछ कॉमोडिटीज मंगानी है बाहर से। तो चलिए वहाँ पर हम चलते हैं लेटर की तरफ और लेटर बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सेंडर सेल्फ एड्रेस। सबसे पहले क्या लिखते हैं गाइस हम लोग? सेल्फ एड्रेस। आप लोगों की कंप्लेंट थी कि सर कॉपी में ठीक से दिखाई नहीं देता, तो इसीलिए हम लोग बोर्ड पर आए। तो अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते रहेंगे, बताते रहेंगे, तो बिल्कुल हम लोग इस पर काम करना शुरू करेंगे, ठीक है? कोशिश है, परफेक्शन नहीं होता है कुछ भी, लेकिन कोशिश ये है कि बेटर से बेटर हम लोग करते चलें, ताकि ईजी रहे आप लोगों के लिए। तो हम लोग अगर बात करें सबसे पहले सेल्फ एड्रेस की, तो सेल्फ एड्रेस में हमारे पास लिखा है यहाँ पर दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल रोहिणी और दिल्ली, क्योंकि आप स्कूल के बिहाव से एक लेटर लिख रहे हो, तो यहाँ पर स्कूल का एड्रेस आ गया दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल रोहिणी और दिल्ली। देन 9 जनवरी 2019, मेरी पहली वीडियो अगर आप जाकर देखेंगे लेटर टू एडिटर की, तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि हमें डेट के साथ हमेशा मंथ का नाम जरूर लिखना है। अगर हम लोग मंथ का नाम नहीं लिखते हैं तो एड्रेस मतलब वो गलत हो जाता है कई बार, क्योंकि बताया था मैंने कि अमेरिकन तरीका अलग होता है लिखने का और ब्रिटिश तरीका अलग होता है डेट को लिखने का। तो आइए आगे चलते हैं। फिर हम लोग एक लाइन यहाँ पर गैप रखेंगे लाइन का, और फिर हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, आपका सेंडर्स एड्रेस। क्या लिखेंगे गाइस? सेंडर्स एड्रेस। तो अभी हमने क्या लिखा है? सेंडर एड्रेस लिखा है, ठीक है? तो सेंडर एड्रेस हम लोग यहाँ पर अब लिख रहे हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट में क्या लिखना है हमें? प्लेसिंग ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आइटम्स, प्लेसिंग ऑर्डर्स फॉर स्पोर्ट्स आइटम्स। अब यहाँ मैं स्पोर्ट्स आइटम्स को अगर मैं सर्कल कर दूँ, तो आप क्या करेंगे, स्पोर्ट्स आइटम के बिहाफ पे जो भी आपको ऑर्डर प्लेस करना है आप उसका नाम लिखोगे। जैसे सपोज करते हैं हमें कल्चर एक्टिविटी के लिए सामान चाहिए, हमें कुछ इक्विपमेंट चाहिए, लैब का सामान चाहिए, तो हम उनके नाम यहाँ पर लिखने शुरू कर देंगे, ताकि हमें क्या हो जाए, ईजी हो जाए। तो मैंने यहाँ पे सर्कल किया है प्लेसिंग ऑर्डर फॉर डैश। अब डैश का मतलब क्या हो गया, जो भी टॉपिक हमें दिया हुआ है उस टॉपिक के लिए हम लोग लिख लेंगे। फिर हम लिखते हैं सैल्यूटेशन, यानी सर लिखा है मैंने यहाँ पर। देन यू हैव अ वेरी गुड रेपुटेशन ऑफ सेलिंग क्वालिटी स्पोर्ट्स आइटम्स। देखिए मैं यहाँ पर स्पोर्ट्स आइटम्स को फिर से अंडरलाइन कर देता हूँ, कि जो स्पोर्ट्स आइटम्स है ना उसको हमें चेंज करना है खाली, बाकी तो सही है। यू हैव अ वेरी गुड रेपुटेशन, मैंने आपको आपसे क्यों मैं डिमांड कर रहा हूँ इन आइटम्स की, क्योंकि आप इसी फील्ड में बहुत अच्छी रेपुटेशन रखते हो, ठीक है? इसीलिए हम आपसे सामान मंगाना चाहते हैं। योर स्पोर्ट्स आइटम्स आर ऑफ सुपीरियर क्वालिटी। तो हमने सुना है कई बार कि आपके जो स्पोर्ट आइटम्स हैं वो कैसी क्वालिटी के हैं, सुपीरियर क्वालिटी के हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं। तो हम आपका इतना नाम सुन के या जो भी आपकी रेपुटेशन है उसको देखते हुए हम आपको ऑर्डर दे रहे हैं इन स्पोर्ट्स आइटम्स का। आफ्टर गोइंग थ्रू योर लेटेस्ट कैटलॉग। कैटलॉग क्या होता है भाई? आपने देखा होगा ब्रोशर होता है, कैटलॉग होता है, इसमें लिखा होता है, रेट लिखे होते हैं, स्पोर्ट्स आइटम्स लिखे होते हैं। वो कैटलॉग हमारे पास था ऑफ स्पोर्ट्स आइटम्स का,
स्पोर्ट आइटम्स का हमारे पास वो सब कुछ था, तो हमने उसके बिहाफ पे मुझे आपसे कुछ सामान चाहिए। क्या चाहिए? आई एम प्लेसिंग इन ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग आइटम्स एज पर स्कूल रिक्वायरमेंट्स। तो मैं कुछ आपसे कुछ चाहिए मुझे, आई एम प्लेसिंग एन ऑर्डर, मैं प्लेस कर रहा हूँ एक ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग आइटम्स एज पर स्कूल रिक्वायरमेंट्स, स्कूल की रिक्वायरमेंट्स को लेकर। तो ये तीन लाइनें आपकी इंपॉर्टेंट है, और अगर हम मैं बात करूँ इसमें आपको एक ही चीज़ को एलिमिनेट करना है, एंड दैट इज स्पोर्ट्स आइटम्स, दैट इज स्पोर्ट्स आइटम्स। बस हमें एक ही वर्ड चेंज करना है, यहाँ पर स्पोर्ट्स आइटम, यहाँ पर भी स्पोर्ट्स आइटम, बाकी जैसे लिखा है ना हमको एज इट इज लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है आपको ग्रामर आने की लेटर लिखने के लिए। थोड़ा फॉर्मेट चलेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो अपने आप ही लेटर हमें लिखना आ जाएगा, इजी हो जाएगा हमारे लिए, तो ग्रामेटिकली मिस्टेक्स भी कम होती है अगर हम इस तरीके से फॉर्मेट से लेटर लिखते हैं। तो भैया आगे बढ़ते हैं, तो कुछ भी यहाँ चेंज नहीं करना। अभी तक मैंने क्या लिखा है, सेंडर एड्रेस लिखा है, डेट लिखी है, फिर सॉरी सेल्फ एड्रेस लिखा है, डेट लिखी है, फिर सेंडर एड्रेस लिखा है, फिर सब्जेक्ट लिखा है, उसके बाद सरिया मैडम जो भी लिखा है, और फिर जो भी लाइन, तीन लाइन है, इसमें केवल हमें दो वर्ड चेंज करने हैं, वो है स्पोर्ट्स आइटम्स के, इन वर्ड्स को हमें केवल चेंज करना। आइए आगे देख लेते हैं। फिर यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाई है, सीरियल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, एंड नेम ऑफ आइटम्स है, क्वालिटी नंबर, क्वांटिटी नंबर्स है कि कितनी क्वांटिटी में मुझे चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्वांटिटी नंबर्स हम लोग कर लेंगे, क्या कर लेंगे यहाँ पर, क्वांटिटी या नंबर्स, कितना हमें सामान चाहिए। देखो अनकाउंटेबल होता तो क्वांटिटी आएगा, और अगर काउंटेबल होगा तो क्या आएगा, नंबर्स आएगा। ठीक है, मुझे क्या क्या चाहिए, फुटबॉल चाहिए कितनी, 5 चाहिए, वॉलीबॉल चाहिए कितनी, 5 चाहिए, बैडमिंटन रॉकेट चाहिए कितने, रैकेट चाहिए कितने, 16, आपका क्रिकेट किट विद बॉल्स कितनी, क्रिकेट किट एंड बॉल्स कितनी, 12, स्पोर्ट्स ट्रैक सूट कितने चाहिए, 25, ये सामान मुझे चाहिए। तो ये सामान की लिस्ट आपकी चेंज हो जाएगी, केवल इसी के मार्क्स मिलेंगे आपको। ये लिस्ट आपको बनानी आनी चाहिए कि मुझे जो सामान मुझे मंगाना है उसकी लिस्ट मेरे पास होनी चाहिए कि मुझे सर ये सामान मंगाना है, बाकी तो कुछ है ही नहीं, इजी है प्लेसिंग ऑर्डर, कितना इजी है। देखो बिजनेस लेटर का सेकंड पार्ट में कर रहा हूँ प्लेसिंग ऑर्डर, और फिर ऑल द आइटम्स शुड बी ऑफ गुड क्वालिटीज, सारे के सारे आइटम्स कैसे होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, सब स्टैंडर्ड विल बी रिटर्न। तो जो अगर सब स्टैंडर्ड आइटम्स होंगे हमारे पास तो उनको क्या कर देंगे, हम वापस कर देंगे। अगर आपने मुझे ऐसे आइटम्स भेजे, ऐसी चीज़ें भेजी जिससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, देन आई विल रिटर्न देम, मैं उन सबको आपको वापस कर दूँगा। ठीक है, आइटम शुड बी डिलीवर्ड बिफोर 1 PM, स्कूल बंद हो जाता है तो 1 बजे से पहले पहले आप भेजो, इन स्कूल ऑन एनी वर्किंग डे, देखो छुट्टी नहीं होनी चाहिए, कोई वर्किंग डे हो उसमें आप भेज दो, प्लीज़ सेंड द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आप लोग भेज दीजिए, जल्दी से स्कूल में भेज दीजिए, थैंकिंग यू आ गया, योर ट्रूली आ गया, एक्सवाइज आ गया। तो अगर हम बात करें कितना इजी है गाइस, क्या प्लेसिंग ऑर्डर करना, प्लेसिंग ऑर्डर करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया है। ठीक है, इससे आसान और कहाँ, हम लिखते हैं ना हमेशा इससे आसान और कहाँ, तो इससे आसान और कहाँ, प्लेसिंग ऑर्डर इतना इससे आसान क्या करेंगे हम लोग, खाली लिस्ट बनानी है, बाकी हमें सेम लिखना है, और जो स्पोर्ट्स आइटम जहाँ जहाँ लिखा है उसको हम लोग चेंज करना है, और तो करने नहीं, तो हम क्या करेंगे एक बार फटाफट इसको रिवाइज करेंगे। बट मैं आपको एक बात याद दिला दूँ, सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को और शेयर तो जरूर कीजिए ताकि आपके और फ्रेंड्स को भी कुछ फ़ायदा हो और हमें भी अच्छा लगे। मैं हर बार सोचता हूँ कि सब्सक्राइबर बढ़े जब भी मैं वीडियो डालता हूँ, तो और जाहिर सी बात है बढ़ ही रहे हैं सब्सक्राइबर, जब तुम वीडियो डाल रहे हैं आगे कॉन्फिडेंस आता है इससे व्यक्ति को। और कोई भी प्रॉब्लम है आपको, अगर हेल्प नहीं कर पा रहे हैं किसी भी एरिया के अंदर, तो आप बताइए, मैं आपको उसी तरीके से पढ़ाना शुरू करूँगा जैसे आप मुझे बताते हैं, कमेंट करते हैं। ठीक है, और मैंने तो ये भी कह रखा है कि आपको टॉपिक आपको लगता है ऐसा, हम लोग यहाँ पर ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से लेटर पेपर में पहले आ चुके हैं, हम ये भी डिस्कस करेंगे। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगी मेरी, और अगर नोटिफिकेशन जाती है तो क्या है, आप इजीली उसको देख पाते हैं। तो आप जितना शेयर करेंगे, जितना लाइक करेंगे, जितना सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, अप्रेजल मिलेगा। तो हर बार मैं वीडियो के लास्ट में आपसे कहता हूँ कि हमें क्या करना है आगे, प्लेसिंग ऑर्डर का एक फटाफट कहीं भी किसी भी रिफ्रेशर से। ठीक है, खासतौर पर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे अगर देख रहे हैं, प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी देख रहे हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं सपोर्टिंग मटेरियल की, वहाँ से प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए ताकि बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। और मैं लास्ट में आपको एक एडवाइस ज़रूर देता हूँ, इसलिए मेरी वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, कि अगर आप मेरी वीडियो को अंत तक देखते हैं तो कोई ना कोई एडवाइस मैं आपको
जरूर दूंगा कि किस तरीके से हम प्लेसिंग ऑर्डर, तो प्लेसिंग ऑर्डर के 2 या 3, और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा लेटर है जो आपसे नहीं हो पा रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम फटाफट उसकी वीडियो बना के डालने वाले हैं। ठीक है, तो ये था आपका प्लेसिंग ऑर्डर। फटाफट मैं एक बार आपको रिपीट कर दूँ, ये स्पोर्ट्स आइटम्स को आपको चेंज करना है और इसका स्क्रीन शॉट लेके आप लिख भी सकते हैं ताकि आप लोगों को वो ईजी हो जाए। ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम लोग जो है वो आगे काम इस तरीके से करते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर पढ़ेंगे। तो ये बिजनेस लेटर के 3 पार्ट्स थे। पहला कौन सा था? पहला हमारा कौन सा था? इंक्वायरी लेटर। दूसरा था प्लेसिंग ऑर्डर, और जो अगला लेटर आएगा वो आया कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर का। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ कल। धन्यवाद।